Hello children, welcome to all of you in our today's session of chapter 10. Today we are going to start our topic from increased activity of sweat and sebaceous gland. During puberty, the secretion of sweat gland and sebaceous gland oil glands increases. Many young people get acne and pimples on the face at this age. At this time, because of the increased activity of the glands in the skin. A few glands such as sweat glands, oil glands and salivary glands release their secretion through tubes. Endocrine glands release hormones directly into the bloodstream. So they are also termed ductless glands. चिल्ड्रन, हमारी बॉडी के अंदर कुछ ग्लैंड्स होती हैं, जैसे कि स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स विच आर आल्सो नोन एज ऑयल ग्लैंड्स. तो जब प्यूबर्टी चेंजेस आते हैं तो ड्यूरिंग प्यूबर्टी हमारी बॉडी के अंदर स्वेट ग्लैंड्स और सेबेशियस ग्लैंड्स का जो सीक्रेशन है वो इंक्रीज हो जाता है. और इसी वजह से कई टीनेजर्स होते हैं, उनके फेस पे एक्ने या पिंपल्स की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, तो ये क्यों होता है? ड्यू टू द इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ दीज ग्लैंड्स. हमारे बॉडी के अंदर चिल्ड्रन जो ग्लैंड्स होती हैं, कुछ ग्लैंड्स होती हैं जो डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, और कुछ ग्लैंड्स होती हैं जिनका सीक्रेशन डक्ट्स के थ्रू होता है. ठीक है, तो जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर स्वेट ग्लैंड्स हैं, ऑयल ग्लैंड्स हैं यानी कि सेबेशियस ग्लैंड्स एंड सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, इनमें जो सीक्रीशन या इनका जो हार्मोन्स रिलीज करते हैं ये, या जो इनका भी जो भी केमिकल या सीक्रीशन इंक्रीज होता है वो थ्रू डक्ट्स सीक्रीट होता है. ठीक है ना, जबकि जो हमारी बॉडी के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, जो हम इसी लेसन में बाद में पढ़ेंगे, तो उन एंडोक्राइन ग्लैंड्स में से जो हार्मोन्स सीक्रीट करते हैं, द हार्मोन्स विच सीक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स, दे सीक्रेट देयर हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम. उसमें वो कोई डक्ट के थ्रू अपना हार्मोन सीक्रेट नहीं करते, वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में अपना जो हार्मोन्स है वो सीक्रेट करते हैं. दैट इज वाई दे आर ऑल्सो टर्म्ड एज डक्टलेस ग्लैंड्स. डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स. लुक अप फिगर 9.1-9.3 ऑफ द प्रीवियस लेसन विच शोज सेक्स ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन्स. एट प्यूबर्टी मेल सेक्स ऑर्गन्स लाइक द टेस्टीज एंड पेनिस डेवलप कम्प्लीटली. द टेस्टीज ऑल्सो बिगिन टू produce sperms in girls, the ovaries enlarge and eggs begins to mature. Also ovaries start release maturing eggs. चलो ये चीज हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेसन में अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, जो कि नेक्स्ट प्यूबर्टी चेंजेस हैं हमारे अंदर. ठीक है, इसमें जो बॉयज और गर्ल्स है उसमें सेक्स ऑर्गन का फुल डेवलपमेंट होने लग जाता है, जैसे कि बॉयज में टेस्टीज एंड पेनिस का डेवलपमेंट कम्प्लीटली हो जाता है, जिससे कि उनकी बॉडी में स्पर्म्स प्रोड्यूस, जो टेस्टीज है वो स्पर्म्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है. इन द सेम वे जो गर्ल्स है उनके जो सेक्स ऑर्गन्स है जैसे कि ओवरीज है वो एनलार्ज होकर एग्स एनलार्ज हो जाती है और एग्स बिगिंस टू मैच्योर. उसके बाद ओवरी है वो मैच्योर एग रिलीज करना स्टार्ट कर देती है. सो नेक्स्ट प्यूबर्टी चेंजेस के ड्यूरेशन में क्या होता है, जो सेक्स ऑर्गन्स है उनका फुली डेवलपमेंट हो जाता है. नाउ अनदर प्यूबर्टी चेंजेस इज रीचिंग मेंटल इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मेच्योरिटी. एडोलेसेंस इज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ चेंज इन अ पर्सन्स वे ऑफ थिंकिंग. एडोलेसेंट्स आर मोर इंडिपेंडेंट देन बिफोर एंड आर ऑल्सो सेल्फ कॉन्शियस इंटेलेक्चुअल. चिल्ड्रन, ये जो एडोलेसेंस पीरियड होता है इसमें जो पर्सन है उसकी जो वो उसकी जो थिंकिंग कैपेसिटी है वो थोड़ी सी मैच्योर हो जाती है और उसमें कुछ चेंजेस आने लगते हैं. वो मोर इंडिपेंडेंट मतलब फील करता है ना, और उसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस यानी कि वो खुद के लिए, खुद के बारे में, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर कई चेंजेस होते हैं तो वो सेल्फ कंसर्न हो जाता है खुद के बारे में, उसको वो ज़्यादा सोचने लगता है एंड मोर इंडिपेंडेंट फील करता है. इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस एंड दे टेंड टू स्पेंड कंसिडरेबल टाइम थिंकिंग. इन फैक्ट इट इज़ ऑफन द टाइम इन वंस लाइफ व्हेन द ब्रेन हैज द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ फॉर लर्निंग. चिल्ड्रन, इसी ड्यूरेशन में हमारी बॉडी के अंदर कई इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट्स होते हैं और जो हमारा कई समय सिर्फ ये सोचने में व्यतीत होता है कि हमारी बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं. इनफैक्ट जो हमारा ब्रेन है उसकी लर्निंग कैपेसिटी कहते हैं कि इस ड्यूरेशन में सबसे ज्यादा होती है.
Sometimes, however, an adolescent may feel insecure while trying to adjust the changes in the body and mind. But an adolescent learners, you should know that there is no reason to feel insecure. These changes are a natural part of growing up. फ्रेंड कभी कभी क्या होता है कि जो एक एडोलेसेंट होता है वो इनसिक्योर फील करता है, अनकम्फर्टेबल फील करता है और अपनी बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं उनके साथ वो एडजस्ट करने की कोशिश करता है अकॉर्डिंग टू मेंटली और फिजिकली वो जो भी चेंजेस उसकी बॉडी के अंदर आते हैं, ठीक है, कभी वो एडजस्ट करने की कोशिश करता है, कभी वो उनको समझने की कोशिश करता है और वो इनसिक्योर अनकम्फर्टेबल फील करता है. लेकिन ऐसा कुछ भी इस सिचुएशन में ऐसा कुछ फील करने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो चेंजेस हैं दीज आर नेचुरल चेंजेस है ना. जो हमारे बॉडी के जो पार्ट ग्रो करते हैं वो नेचुरल है, वो हर किसी के लाइफ में, हर ह्यूमन बींग को, हर लिविंग बींग के बॉडी में इस तरह के चेंजेस कभी ना कभी एक एज, सर्टन एज के बाद आते हैं और उसके बाद वो उसके साथ ही उसको लाइफ लॉन्ग सर्वाइव करना पड़ता है. तो ये एक नेचुरल पार्ट है हमारी लाइफ का और इसमें किसी भी तरह की टेंशन या इनसिक्योरिटी नहीं आनी चाहिए. 10.3 secondary sexual characters. You have learned in chapter 9 that testes and ovaries are the reproductive organs. They produce the gametes, that is sperms and ova. In girls, breasts begin to develop at puberty and boys begins to grow facial hair, that is moustaches and beard. As these features help in distinguish the male from the female, they are called secondary sexual characters. Boys also develop hairs on their chest. In both boys and girls, hair grows under the arms and in the region above the thighs or the pubic region. Children, chapter 9 में हमने read किया था कि जो reproductive organs है, that is testes and ovaries in male and female, है ना, वो gametes produce करना start करता है at a certain age, जिसे कि अपन बोलते हैं sperms and ova, ठीक है, और इसी ड्यूरेशन में गर्ल्स एंड बॉयज़ में कई फिजिकली चेंजेस आते हैं जो उनको एक दूसरे से डिफर करते हैं. जैसे कि जो बॉयज़ हैं उनके फेशियल हेयर्स, जैसे कि मॉस्टेचर्स, बियर्ड डेवलप ग्रो होना स्टार्ट हो जाती है और गर्ल्स में भी इस तरह से उनकी बॉडी के अंदर कई चेंजेस आते हैं. और इसी तरीके से जो मेल और फीमेल है उनको अपन डिस्टिंग्विश कर सकते हैं और इन्हीं चेंजेस, ये चेंजेस आते हैं जिससे हम किसी भी बॉय एंड गर्ल को, मेल एंड फीमेल को, बॉय एंड गर्ल को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश, उनमें डिफरेंसेस कर सकते हैं. दे आर नोन एज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. ओके चिल्ड्रन, यानी कि जो इंटरनली बॉडी में चेंजेस आते हैं फिजिकली और मेंटली वो तो है ही, लेकिन जो इस तरीके से बाहर आउटसाइड लुक से हम जो एक दूसरे, उन दोनों को, मेल और फीमेल को, गर्ल्स एंड बॉय को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ऐसे करेक्टर्स को, ऐसे चेंजेस को हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स. बॉयज़ में और गर्ल्स, बॉयज़ में चेस्ट पे हेयर ग्रो होना स्टार्ट कर देते हैं. इन द सेम वे जो बॉय एंड गर्ल है उनमें अंडर आर्म्स, अंडर लेग्स जो हेयर्स है उनकी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है. द चेंजेस विच अकर एट एडोलेसेंस आर कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स. हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंस. दीज आर सिक्रीशन फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन सिस्टम. चिल्ड्रन हमारी ये जो चेंजेस जितने भी आ रहे हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी पीरियड, जो प्यूबर्टी चेंजेस हैं ड्यूरिंग एडोलेसेंस, तो इन ये जो चेंजेस हैं ये हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं और इन्हीं हार्मोन्स के सीक्रेशन से ये चेंजेस कंट्रोल होते हैं. एंड वॉट इज हार्मोन? दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेज. जो हार्मोन्स हैं ये ऐसे केमिकल सब्सटेंस हैं जो हमारी बॉडी में कई ग्लैंड्स होती हैं जिन्हें हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं, वो इन हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं, ठीक है. और जो पूरा सिस्टम है ये कहता है एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें कई ग्लैंड्स होती हैं. एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है चिल्ड्रन? कई ग्लैंड्स होती हैं और ये ग्लैंड्स हार्मोन्स सिक्रेट करती हैं विच आर द केमिकल सब्सटेंस. और इन्हीं हार्मोन से हमारी बॉडी के अंदर जो ड्यूरिंग एडोलेसेंस प्यूबर्टी चेंजेस होते हैं वो कंट्रोल्ड होते हैं. ओके चिल्ड्रन, द मेल हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन बिगिंस टू बी रिलीज्ड बाय द टेस्टीज एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी. जैसे ही प्यूबर्टी पीरियड स्टार्ट होता है वैसे ही जो मेल हार्मोन है जिसे हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, ये मेल की बॉडी में रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है. और ये कौन रिलीज करता है? जो मेल जो सेक्स ऑर्गन है जिसे हम बोलते हैं टेस्टीज, वो क्या करती है?
टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन को रिलीज करना स्टार्ट कर देती है. दिस कॉज चेंजेस इन द बॉयज अबाउट विच यू हैव जस्ट लर्न. और इसी वजह से मेल्स में क्या होता है, कई चेंजेस आने लगते हैं जिनके बारे में हमने अभी स्टडी करी, जैसे कि फेशियल हेयर का ग्रोथ होना एटसेट्रा. ठीक है. वंस प्यूबर्टी इज रीच्ड इन गर्ल्स ओवरीज बिगिन टू प्रोड्यूस द फीमेल हार्मोन और एस्ट्रोजन विच मेक द ब्रेस्ट डेवलप. मिल्क सिक्रीटिंग ग्लैंड्स और मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप इनसाइड द ब्रेस्ट. द प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अनदर हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम एन एंडोक्राइन ग्लैंड कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड. नाउ चिल्ड्रन, इन द सेम वे जो फीमेल्स होती हैं उनमें भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जैसे कि ओवरी है वो भी उसमें भी हार्मोन सिक्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे अपन बोलते हैं फीमेल हार्मोन और एस्ट्रोजन. ओके. और इस वजह से जो हमने अभी जितने भी चेंजेस पढ़े हैं, जैसे कि सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स का डेवलप होना, ठीक है ना, फीमेल के अंदर, ठीक है, वो सब भी इसी वजह से होता है ड्यू टू द सिक्रेशन ऑफ फीमेल हार्मोन दैट इज कॉल्ड एस्ट्रोजन, है ना. और जो मेमोरी ग्लैंड्स है उनका वो मिल्क उनमें जो मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड्स है, अपन मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड्स मींस मेमोरी ग्लैंड्स, उनका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है ब्रेस्ट के अंदर. ठीक है. और इस तरीके से हमने देखा कि ड्यूरिंग द प्यूबर्टी चेंजेस ये सब इन द एडोलेसेंस पीरियड एडोलेसेंस एज मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन इन मेल एंड फीमेल हार्मोन दैट इज एस्ट्रोजन इन फीमेल, इनका सिक्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है. एंड ये जितना भी प्रोडक्शन है हार्मोन्स का वो सब एक मास्टर ग्लैंड होती है हमारी बॉडी के अंदर, वो कंट्रोल करती है. ठीक है. जैसे कि द प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अनदर हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम एन एंडोक्राइन ग्लैंड कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड. हमारे बॉडी के अंदर एक और मास्टर ग्लैंड होती है, एक और ग्लैंड होती है जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं. और ये पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रेट होता है वही एस्ट्रोजन का सिक्रेशन और टेस्टोस्टेरोन के सिक्रेशन को कंट्रोल करता है. 10.4 रोल ऑफ हार्मोन इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन. एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम टू रीच द पर्टिकुलर बॉडी पार्ट कॉल्ड टारगेट साइट. चलिए, मैंने पहले ही आपको बताया था कि एंडोक्राइन ग्लैंड है वो डक्टलेस ग्लैंड है. ठीक है. तो डायरेक्ट जो हार्मोन सिक्रेट करेगी वो कहाँ करेगी, ब्लड स्ट्रीम के अंदर, और फिर वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू पर्टिकुलर बॉडी पार्ट तक पहुँचेगा जहाँ तक उसको पहुँचना है और उसको एक्टिवेट करना है. तो उस बॉडी पार्ट को अपन क्या बोलेंगे, टारगेट साइट. द टारगेट साइट रिस्पॉन्ड्स टू द हार्मोन. और जैसे ही टारगेट साइट तक ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वो हार्मोन पहुँचेगा तो टारगेट साइट यानी कि वो बॉडी पार्ट है वो रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देगा, उस हार्मोन की तरफ से रिस्पॉन्ड करना वो स्टार्ट कर देगा. देयर आर मैनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स और डक्टलेस ग्लैंड्स इन द बॉडी. हमारी बॉडी के अंदर कई तरह के एंडोक्राइन ग्लैंड्स या फिर डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं. The testes and ovaries secrete sex hormones. You have just learned that these hormones are responsible for the male and female secondary sexual characters. चलिए, ये मैंने आपको अभी ही बताया है कि testes और ovaries testosterone and estrogen secrete करती हैं और इसी वजह से हमारी body के अंदर during the puberty changes secondary sexual characters का development होता है. Further, the sex hormones are under the control of hormones from the pituitary gland. Figure 10.3. The pituitary secretes many hormones, one of which make ova mature in the ovaries and sperms form in the testes. See children, figure 10.3. The onset of puberty is controlled by hormones. एक chart है जिससे ये show होता है कि जो onset of puberty है या जितने puberty changes आते हैं वो किससे control होते हैं, hormones से. ठीक है. हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी स्टिमुलेट टेस्टिस एंड ओवरीज टू रिलीज टेस्टोस्टेरोन इन मेल एंड एस्ट्रोजन इन फीमेल. चिल्ड्रन, जब हार्मोन्स होता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है वो हार्मोन सिक्रीट करती है, और जैसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन्स का सिक्रीशन स्टार्ट होता है वैसे ही टेस्टिस एंड ओवरीज अपने अपने जो हार्मोन्स हैं वो सिक्रीट करना स्टार्ट कर देते हैं. जैसे कि टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है एंड ओवरीज में एस्ट्रोजन रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं. उसके बाद रिलीज इन द ब्लड स्ट्रीम एंड रीच पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट इज टारगेट साइट.
उसके बाद जैसे ही टेस्टोस्टेरोन मेल के अंदर एंड एस्ट्रोजन फीमेल के अंदर सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं थ्रू ब्लड स्ट्रीम, वो कहाँ आते हैं, टारगेट साइड में, यानी कि टेस्टिस एंड ओवरीज तक आते हैं, वो उनका टारगेट साइड हो गया, ठीक है। उसके बाद स्टिमुलेट चेंजेस इन द बॉडी एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, और जैसे ही ये हार्मोन्स ब्लड स्ट्रीम के थ्रू टारगेट साइड तक पहुंचते हैं, वैसे ही वो हमारे बॉडी के अंदर कई चेंजेस को स्टिमुलेट करते हैं, जिससे हम बोलते हैं प्यूबर्टी चेंजेस, और इस एज में एज को अपन बोलते हैं एज ऑफ एडोलेसेंस। 10.5 रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमन, एडोलेसेंट्स बिकम केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन व्हेन देयर टेस्टिस एंड ओवरीज बिगन टू प्रोड्यूस गैमेट्स। द कैपेसिटी फॉर मैच्योरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स लास्ट फॉर अ मच लॉन्गर टाइम इन मेल्स देन इन फीमेल। चिल्ड्रन जैसे ही जो एज एडोलेसेंट्स हैं वो उनमें रिप्रोडक्शन वो टेस्टिस और ओवरीज उनमें गैमेट्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती हैं, ठीक है, तो वो दे आर केपेबल फॉर रिप्रोडक्शन, और जो मेल होता है उसमें जो गैमेट्स हैं वो ज़्यादा टाइम तक प्रोड्यूस होते हैं कंपेरेटिव टू फीमेल्स। इन मेल्स द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ बिगिंस एट द प्यूबर्टी 10 to 12 ईयर्स ऑफ द एज एंड जनरली लास्ट सॉरी चिल्ड्रन, इन फीमेल द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ बिगिंस एट प्यूबर्टी 10 to 12 ईयर्स ऑफ एज एंड जनरली लास्ट टिल द एज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 45 to 50 ईयर्स। द ओवा बिगिंस टू मैच्योर विद द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। चिल्ड्रन जो फीमेल होती है उसमें रिप्रोडक्टिव फेज 10 to 12 ईयर्स के एज से स्टार्ट होता है, और जनरली कब तक रहता है, अप टू द एज ऑफ 45 to 50 ईयर्स। इस ड्यूरेशन में जो ओवा है उन दे बिगिन टू मेच्योर विद द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। जैसे ही प्यूबर्टी चेंजेस स्टार्ट होने लगते हैं उन फीमेल की बॉडी के अंदर, वैसे ही जो ओवा है दे स्टार्ट बिगिन टू मेच्योर। वन ओवम मेच्योर्स एंड इज रिलीज्ड बाय वन ऑफ द ओवरीज वंस इन अबाउट 28 to 30 डेज, और 28 to 30 डेज के अंदर कंटिन्यूटी में जो ओवम है दे बिगिन टू मेच्योर और रिलीज्ड बाय वन ऑफ द ओवरीज। ओके चिल्ड्रन, ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल ऑफ द यूट्रस बिकम थिक सो एज टू रिसीव द एग। और इस पीरियड में क्या होता है, जो यूट्रस है उसकी वॉल थिक हो जाती है जिससे कि वो एग्स को रिसीव कर सके। इन केस इट इज फर्टिलाइज्ड एंड बिगिन टू डेवलप, अगर ये, और ये कब होता है, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है है ना, वो एग वो फर्टिलाइज हो जाता है, उसमें डेवलपमेंट स्टार्ट हो, जैसे कि हमने प्रीवियस लेसन पढ़ा था कि एग डेवलप, उसमें फर्टिलाइजेशन हो गया एग के अंदर, उसके बाद एम्ब्रियो जाइगोट बन गया, फिर एम्ब्रियो स्टार्ट बनना स्टार्ट हो गया, और एम्ब्रियो में क्या होता है कि वो फेलोपियन ट्यूब से होता होता है यूट्रस की वॉल तक आ जाता है, और उस कंडीशन में यूट्रस की वॉल थिक हो जाती है, और ये कब होता है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है। लेकिन इस केस को अपन बोलते हैं प्रेगनेंसी, इसमें इट रिजल्ट्स इन प्रेगनेंसी। ओके चिल्ड्रन, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तब क्या होता है, इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर द रिलीज्ड एग एंड द थिकेंड लाइनिंग ऑफ द यूट्रस अलॉन्ग विद इट्स ब्लड वेसल्स आर शेड ऑफ, दिस कॉजेज ब्लीडिंग इन वुमेन विच इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो उस कंडीशन में जो थिकेंड लाइनिंग है, थिकेंड वॉल है यूट्रस की अलॉन्ग विद द ब्लड स्ट्रीम, इट्स शेड ऑफ, है ना, एंड इसमें और ये किसमें रिजल्ट करता है, ब्लीडिंग इन वुमेन विच इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन अकर्स वंस इन अबाउट 28 to 30 डेज। द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड इज टर्म्ड एज मेनार्क। चिल्ड्रन जो मेंस्ट्रुएशन है, ठीक है ना, इसका जो टाइम पीरियड है वो होता है इट इज़ अबाउट 20 to 30 डेज, और जब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्ट होता है, फ्लो स्टार्ट होता है प्यूबर्टी चेंजेस के ड्यूरेशन में, तो उसको अपन बोलते हैं मेनार्क। एट 45 to 40 ईयर्स ऑफ एज द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स, स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज टर्म्ड एज मेनोपॉज। चिल्ड्रन जब 45 टू 50 ईयर्स के एज में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है तो इस टर्म को अपन बोलते हैं मेनोपॉज। इनिशियली मेंस्ट्रुअल साइकिल मे बी इरेगुलर, इट टेक सम टाइम टू बिकम रेगुलर। जब इनिशियल स्टेज होती है तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो इरेगुलर हो सकती है, लेकिन जैसे ही टाइम पीरियड बढ़ता जाता है समय के साथ वो रेगुलर हो जाती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंट्रोल्ड
by hormones. The cycle includes the menstruation of the egg, its release, thickening of uterine wall, and its breakdown if pregnancy does not occur. In case the egg fertilized, it begins to divide and then gets embedded in the uterus for further development, as you have learned in chapter 9, figure 9.8. So in menstrual cycle, it is controlled by hormones. Obviously, अगर जो cycle है उसमें क्या क्या include होता है, मैचुरेशन ऑफ एग, उसके बाद एग रिलीज होता है, यूट्राइन की वॉल थिक हो जाती है और ब्रेकडाउन हो जाता है उसका अगर प्रेगनेंसी अकर नहीं होती है. लेकिन अगर प्रेगनेंसी अकर हो जाती है यानी कि एग फर्टिलाइज हो जाता है और उसमें एम्ब्रियो फॉर्म हो जाता है, तो एम्ब्रियो यूट्रस की वॉल तक आकर इट एम्प्टेड इन द यूट्रस फॉर द फर्दर डेवलपमेंट, जैसे कि हम चैप्टर 9 में पढ़ चुके हैं. ओके चिल्ड्रेन, so in our next session we will learn about how is the sex of the baby determined, hormones other than sex hormones, and role of hormones in completing the life history of insects and frogs. Okay, thank you children.